देवरिया जनपद के सिविल लाइन रोड स्थित एक होटल में बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट रिया चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि देवरिया की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच देकर संवारने की जरूरत है। इसी को लेकर रिया चंद्रा का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आगामी दिसंबर में 21 से लेकर 25 तक 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। ब्राइडल कॉम्पिटिशन रैंप वॉक प्लस हमारा मास्टर क्लासेस भी है और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नवीन जी जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। और ये पाँच दिवसीय हमारा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज रखी हुई है। मेकअप से रिलेटेड इसमें हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स होने वाले हैं जिसमें 21st को हमारा सेमिनार है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरीके मेकअप जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं इंडस्ट्री में वो हम लोगों को बताएंगे। और 22 को हमारा ब्राइडल कॉम्पिटिशन है जिसमें यहाँ के शहर की जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं जो अपनी ब्राइडल और उसको लेकर के वो अपना यहाँ पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके लिए उनको प्राइज मनी और सर्टिफिकेट और आगे काम करने का मौका भी उनको मिलेगा हमारे साथ स्टेज पर। और दूसरा हमारा उसी दिन हम लोगों का 22 तारीख को ही रैंप वॉक है जिसके अंदर लड़के लड़कियां जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में या टीवी सीरियल या फिल्म वगैरह करना चाहते हैं तो वहां से हम उनकी प्रतिभा को आगे लेके जाएंगे जो जिसके लिए हमारे साथ जावेद जी भी जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद हमारा 3 दिन का हमारा मास्टर क्लास है जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से जो भी अपना लोग सैलून चलाते हैं और उनको अच्छा कुछ सीखना है तो वो 3 दिन के मास्टर क्लास में अपना और अपने जितना भी अपना वो लोग काम करते हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या प्रोग्राम है? देखिए दिव्या में दिव्या ने इसका का प्रोग्राम रखा है तो हमारा ही फर्ज बनता है क्योंकि मैं दिव्या से ही रहने वाला हूँ। तो हमने ये सोच रखा, मैंने इससे भी बात कर रखी है कि जब आप प्रोग्राम करा रहे हैं तो हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो कई फिल्में कर चुके हैं जिनसे हमारी बात हुई है और उनको हम बुलाएंगे यहाँ पे। वो नदीम जी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहे हैं, बहुत पहले पता चल जाएगा आपको कौन डायरेक्टर आ रहे हैं। उसमें जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं जैसे रिया जी कहा कि ब्यूटी से लेकर के रैंप से लेकर के उसमें जो ये सेलेक्ट होंगे और जो बच्चे उसमें एक्टिंग के लिए जो आना भी चाहते हैं उनको भी हम उनका वर्कशॉप करा करके उनमें से चुन करके और हम उन पर आगे भी काम करें। ये हमारा इससे क्या होगा, देवरिया में इस तरह से एक साथ ब्यूटी से मेकअप से मॉडल से एक्टिंग से रिलेटेड सारे काम होंगे तो देवरिया के लिए बेहतर है जी।